बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न बीए थर्ड ईयर पोएम नंबर 1 लेयर रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। ही वाज बॉर्न July 3, 1871, डाइड 26 सितंबर 1940। ही वाज अ पोएट एंड राइटर। नाउ ट्रांसलेशन ऑफ दिस पोएम, स्टैंजा नंबर 1। What is this life if full of care? शायर कहता है कि ये जो हमारी ज़िंदगी है परेशानी से भरी है, ये भी कोई ज़िंदगी है, इसमें परेशानियाँ परेशानियाँ हैं। और परेशानियाँ कौन सी हैं? We have no time to stand and stare। हमारे पास और फिक्र करने का कोई वक्त ही नहीं है, हम हर वक्त मशीनी दौर से गुजर रहे हैं, भाग रहे हैं। No time to stand बीनीथ द बॉस। होना तो ये चाहिए था कि कुछ हम टाइम निकाल कर दरख्तों के नीचे जाकर खड़े होते, सताते, देखते, लेकिन हमारे पास दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े होने का वक्त ही नहीं है। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप आर काउस। और कम अज़ कम हम इतना वक्त तो निकाल सकते जैसे कि गाय और भेड़े होती हैं और जाके देखती हैं, देख रही होती हैं। हम कम अज़ कम इतना वक्त होना चाहिए। नो टाइम टू सी वैन वुड्स वी पास। वुड्स क्या है? जंगल है। तो जब हम जंगल से गुजरते हैं तो हमारे पास इधर उधर देखने का कोई नहीं होता कि चरिंद परिंद क्या कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी पोइट कहता है वे सुकेल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। वहाँ नहीं देखते कि जो गुलेरियाँ हैं वो उछल कर एक तख से दूसरे तरफ जा रही होती हैं और घास में अखरोट छुपा रही होती हैं। तो नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। अभी जंगल के बाद आगे शायद देखता है कि ये हमारे पास जो चमकदार दिन की रोशनी में हमारे पास वक्त नहीं होता। क्या चीज़ से? यानी स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स, कि नदियाँ सितारों से भरी हुई हैं। ये कैसे मिसाल देता है शायद कि जी नदियों में सितारे हैं। कहता है कि जब सूरज की, जब नदियाँ चलती हैं और सूरज की रोशनी पड़ती है तो उनके जो कतरे होते हैं वो ऐसे चमकते हैं जैसे कि लाइक स्काइज एट नाइट, और ऐसे नजर आते हैं जैसे रात को आसमान पर तारे होते हैं। लेकिन हमें उन तारों को देखने का वक्त नहीं है। नेचर अल्लाह की चीज़ की बनाई हुई चीज़ें दुनिया में हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लैंस। कहते हैं हम जा रहे होते हैं भागम भाग, हम नहीं देखते हमारे सामने कोई खूबसूरत चेहरा आता है, हम उसको नहीं देख सकते। और कैसे हालत में? एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। और नहीं देखते कि कैसे वो चल रहे होते हैं। हम अपनी जिंदगी में परेशानियों में मगन होते हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन। कहता वो चलना तो छोड़ो, हम ये भी नहीं देख सकते कि उसका मुंह जब क्या है। इन रिच दैट स्माइल हर आईज बिगेन। हमारे पास इंतजार करने का वक्त नहीं होता ये देखने के लिए कि कैसे उसका मुंह उसकी मुस्कुराहट से भर जाता है जो आंखों से शुरू होती है। यानी जब उसकी मुस्कुराहट होती है तो वो आँखों से शुरू होती है और मुस्कुराहट से उसका चेहरा खिल उठता है, लेकिन हमारे पास ये देखने का वक्त नहीं होता है। और हम दुनिया की मसरूफियात में मशीनी दौर से गुजर रहे हैं, भागम भाग में लगे हैं। और यही है कि जी हम क्या देखते हैं आखिर में? और आखिर में फिर शेर कहता है कि नहीं, शायर कहता है कि हमें जो है ना इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। अ पुअर लाइफ दिस। कहता हमारी क्या बेचारी ज़िंदगी है, क्या कैसी ज़िंदगी है, फुल ऑफ केयर, जो कि परेशानियों से भरी हुई है। परेशानियाँ परेशानियाँ हैं अपने मफादात पूरे करने के लिए, टारगेट पूरे करने के लिए। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। और हमारे पास
कोई वक्त नहीं है कि थोड़ी देर के लिए देख लें दुनिया की अल्लाह ताली की बनी हुई जो चीज़ें हैं, फितरत की जो चीज़ें हैं उनको हम गौर से मुशाहदा करें। तो नौवियस लुक एट द स्क्रिप्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।